पासपोर्ट फोटो ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से फोटोशॉप 7 पर पासपोर्ट फोटो को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर पर फोटोशॉप 7 को ओपन कर लेंगे। इसके बाद फाइल में जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उस फोटो को ओपन करेंगे जिसको आप पासपोर्ट फोटो बनाना चाहते हैं। और फोटो ओपन होने के बाद इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। इसके बाद इस फोटो को पासपोर्ट साइज देने के लिए टूल बॉक्स से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे और वेथ यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर करेंगे, हाइट 4.5 सेंटीमीटर करेंगे और रिजोल्यूशन 200 करेंगे। इसके बाद माउस से ड्रैग करके फोटो को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे ताकि फोटो का जो फेस है वो मिडिल में रहे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद फोटो को जूम कर लेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके प्लस बटन को दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। पासपोर्ट फोटो के लिए फोटो का बैकग्राउंड किसी एक कलर में होना आवश्यक है। अब इस फोटो में देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो एक कलर में नहीं है, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है इसको चेंज करना होगा। तो इसके लिए टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पहले यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, इसके शोल्डर पर माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखेंगे तो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से मूव करेंगे। आप यहाँ पर इसका जो शोल्डर है इसके बॉर्डर के अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद माउस को इस वाले पॉइंट पर ले आएंगे, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके माउस से इस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये जो सामने वाली लाइन है ये हट जाएगा। इसके बाद फिर से माउस से इस कोने पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये लाइन बनता जाएगा। इसी तरह से इस फोटो की पूरे बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। पूरे बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो बॉर्डर है ये सिलेक्शन कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो बॉर्डर है वो सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो और मैं यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कीबोर्ड से डिलीट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका जो बैकग्राउंड है ये कलर चेंज हो चुका है। अभी ये सिलेक्शन को हटाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब इस फोटो को बॉर्डर देने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए करेंगे। इसके बाद एडिट पर जाएंगे और यहाँ से स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लेंगे और वेथ यहाँ पर 6 पिक्सल करके ओके करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो बॉर्डर आ जाएगा। पासपोर्ट फोटो का बॉर्डर इतना आवश्यक नहीं है इसलिए मैं इस फोटो का बॉर्डर नहीं रखना चाहता हूँ। और फिर से फाइल पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और वेट यहाँ पर 4 इंचेस करेंगे। और हाइट यहाँ पर 6 इंचेस करेंगे और यहाँ से पिक्सेल्स इंचेस को सिलेक्ट करेंगे और कंटेंट्स यहाँ पर व्हाइट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये नया पेज ओपन होके आ जाएगा।
इसके बाद पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करके माउस से ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद इस स्पेस को मैक्सिमाइज कर लेंगे और इस फोटो को पेज के कॉर्नर पर ले जाएंगे। कीबोर्ड की एरो साइन की मदद से इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस शिफ्ट को प्रेस करके माउस से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये कॉपी हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये चारों फोटो को कॉपी करने के लिए तो ये चारों लेयर को मर्ज करना होगा। इसके लिए सबसे ऊपर वाली लेयर पर आएंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई को 3 बार दबाएंगे तो ये सारे लेयर मर्ज हो जाएगा। इसके बाद फिर से शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग करके इस चारों फोटो को कॉपी कर लेंगे। अब इतने सारी कॉपी होने के बाद नीचे देखेंगे कि ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर टूल बॉक्स से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक फोटो को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स से मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस फोटो के ऊपर ऑल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ट्री करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके माउस से इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर और 2 कॉपी कर लेंगे। तो देखेंगे कि ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये फोटो बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।